तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों दिखा देते हैं कि भाई ड्राइवर की या तो इसके हेल्पर की कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी, इसी के कारण जो है ये ट्रक पलट गया था। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी जो है हम आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाकर बता देंगे। तो पहले जो है आप नुकसान देख ले, ट्रक में क्या क्या हो गया, कांच वगैरह आगे की फ्रंट की एक कांच जो है वो टूट गई है, और माल आप देख सकते हैं जो कि इधर उधर बिखरा हुआ पूरी तरह से पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को माल को जो है थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएँगे कि इसमें क्या हो सकता है। फिलहाल तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं इसमें ऐसा कोई विशेष चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो कि देखकर पहचान ली जाए। लेकिन माल जो है इस गाड़ी में हद से ज़्यादा ओवरलोड भरा हुआ था, जो कि आप लोगों के जो है ये सब कुछ सामने है। और ये हादसा जो है रात को हो गया था लगभग 2:30 बजे के टाइम। तो दोस्तों अभी हम आपको चारों एंगल से घूम के इस ट्रक की पोजीशन जो है दिखा देंगे। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं, और इधर से जो है कुछ लोग जो हैं यहाँ के खेत खलिहान के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है काम करते हैं, वो भी यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है ड्राइवर साहब नहीं है, ड्राइवर साहब जो है हेल्प लेने के लिए कहीं बाहर अभी थोड़ी दूरी पर गए हुए हैं फिलहाल, तो क्रेन वगैरह की मदद लेने के लिए। और सुरक्षा के लिए जो है यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ पर बैठा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर माल इनका बिखरा हुआ है। और ये हादसा जो है किस वजह से हो गया था तो बता देते हैं। तो दोस्तों या तो हेल्पर या ड्राइवर की कुछ ना कुछ गलती इसमें ये रही कि माल इनका जो है इस गाड़ी में ज़्यादा ओवरलोड भरा हुआ था, और रस्सी को जो है इन्होंने ज़्यादा कस के जो है इसमें नहीं बांधा, और अचानक से जो है रस्सी ढीली हुई और माल ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण जब इनका ट्रक जो है चल रहा था और डिसबैलेंस हुआ और इधर आकर जो है ये ट्रक पलट गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।